हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्मा किचन। आज हम बनाएंगे भड़े का गोश्त और आलू। तो ये देख सकते हैं आप कितना टेस्टी बनाए, बहुत डिलीशियस बनाए। इसको हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएँ कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो फिर चलिए बनाते हैं आलू गोश्त। इसे बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर को मैंने गैस पर रख दिया है, फ्लेम कर दिया है ऑन। इसमें डालेंगे एक कप तेल। तेल आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड या सरसों का तेल। तो मैंने इसमें एक कप तेल डाला है। तेल डालने के बाद तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे ताकि इसमें कच्चापन बिल्कुल ना रहे, क्योंकि ये सरसों का तेल है। तो उसको अच्छे से पका लेंगे। अब यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो हम इसमें अब डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा। करीब एक चम्मच ज़ीरा डाल दिया है मैंने इसमें। और अब हम इसमें डाल लेंगे डेढ़ चम्मच प्याज का पेस्ट। डेढ़ बड़ा चम्मच है ये, यानी कि डेढ़ टेबल स्पून प्याज का पेस्ट हमने इसमें डाल लिया है, एक और आधा भर के। तो बस यहाँ फ्लेम को हमने यहाँ पे रखा है मीडियम। और इसके बाद हम डाल लेंगे बाकी के और मसाले। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। तो हम डाल लेंगे एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो हमने इसमें डाल लिया है और थोड़ा सा मसालों को, सारे जो भी है सबको अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो मैंने इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच भर के धनिया का पाउडर। तो एक बड़ा चम्मच भर के हम धनिया का पाउडर इसमें डाल लिया है। इसमें डालेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर। तो इसमें हमने एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पे हमने इसमें डाल लिया है एक गिलास पानी। तो एक गिलास पानी हमने इसमें डाल लिया है। पानी डालने थोड़ा सा लिए डाल लिया है ताकि जो मसाले इसमें और भी ऐड करने हैं तो सारे मसाले जले ना, अच्छे तरीके से भुन जाए। तो मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे। तो अब इसमें बाकी की चीज़ें हम इसमें ऐड करने वाले हैं। अब हम इसमें डालेंगे दो कटे हुए टमाटर। दो टमाटर जिन्हें मैंने काट लिया है, दो टमाटर हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने इसमें दो टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। और इसको हम चला देंगे अच्छे से ताकि सारे मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएं। तो इसको हमने चला दिया है और फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैं इसमें एक चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक को हम बाद में टेस्ट कर लेंगे। तो मैंने इसमें एक चम्मच नमक ऐड कर दिया और इसको चला देंगे थोड़ा अच्छे से। आप देख सकते हैं मसाले हमारे भुनना स्टार्ट हो गए हैं और बस कंटिन्यू थोड़ा बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि जले ना। तो 5 मिनट तक हम मसालों को भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गोश्त। गोश्त को हमने पहले से धो के रखा है। तो पहले मसालों को अच्छे से भून लेना है, उसके बाद ही हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त ऐड करके हम इसमें सीटी लगा लेंगे। एक गिलास पानी डालने के बाद हमने इसमें ढक्कन बंद कर दिया है, सीटी लगाएंगे। सीटी हम इसमें करीब 6 सीटी हम लगा लेंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे इसमें कुकर में सीटी आ रही है। तो यहाँ पे हमने सीटी लगाने के बाद कुकर को खोल लिया है और आप देख सकते हैं जो गोश्त है एकदम अच्छे से गल गया है। तो बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा गोश्त आलू। तो बस यहाँ पे हमने कुकर खोल लिया है, गोश्त अच्छे से गल गया है। तो इसमें हम यहाँ पे आलू डालेंगे काट के। तो मैंने यहाँ पे इसमें आलू डाल लिए हैं और उस टाइम कैमरा ऑफ हो गया था तो आप लोग डाल लें, इसलिए वो दिखा नहीं पाई मैं। आलू डालने के बाद इसको 5 मिनट तक गला लेंगे इस तरह से, ताकि जो आलू है वो अच्छे से गल जाएँ। तो आलू तो जल्दी गल जाते हैं तो उसमें कोई ऐसी वो नहीं है। तो 5 मिनट तक गलाने के बाद हम इसको निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आलू भी गल गए हैं और गोश्त भी गल गया है, सब गल गया अच्छे से। तो हम इसको कर लेंगे सर्व निकाल के।
और कितना आसान है इसको बनाना। तो बस हमने यहाँ पे इसको सर्व कर लिया, एक डोंग में निकाल लिया है। और ये देखिए हमारा आलू गोश्त बनके तैयार हो गया है। इसमें हम डाल लेंगे ऊपर से हरा धनिया काट के, और बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनाए। तो बस अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। थैंक यू।